व्यूवर्स कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खुदाओं के फजलो करम से खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ। आज हमारा व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। 4 महीने बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और आज है हमारे चर्च में ताजपोशी, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो आपको आज सारा जो ताजपोशी का सारा इवेंट है वो आपको दिखाऊँगी। तो ये भाई और भाभी जो है तैयार हो रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं। ये मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, तो अब खुदाम का शुक्र है कि मैं बहुत बेहतर हूँ। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर तैयार श्यार होकर चल जाया जाए, तो खुदाम की पाक हजूरी में झुका जाए। तो चलें जी, अभी हम लोग निकलते हैं और आपको चर्च का भी सारा इवेंट दिखाएंगे और आज जितने भी रिलेटिव आए होंगे उन सबको भी दिखाऊँगे और उन सबसे मिलवाऊँगी। मेरा फ़ोन भी ख़राब था, ये तो मैं 4 महीने बाद मेरा फ़ोन आया, 4 महीने के बाद मेरा फ़ोन आया। तो यह कहना बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए जी, काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं बना रही हूँ। ये देखिए, ये ड्रेस जो है ना मैंने अपनी अम्मी का पहना हुआ है। मैंने अपनी अम्मी के बहुत सारे कपड़े जो है ना वो मैंने पहने हैं, बच्चे अंदर रेडी हो रहे हैं। तो आपने बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। ये फ़ोन बड़ा ख़राब हो गया, ये बुखार की वजह से हो गया। अब बोल, अब स्टार्ट। तो व्यूअर्स हम लोग निकल रहे हैं चर्च के लिए। चलो भाई। हाय गाइस, हम जा रहे हैं। हाय गाइस, हम भी जा रहे हैं। ये तो सीढ़ियों से उतर रही हो जैसे डकी भाई होता है, जैसे डकी भाई उतरता तो फिर वो सीढ़ियों से वो गिरने वाला बंदे का इफेक्ट वो डक। पहली तलावत तकवीन की किताब उसका तीसरा बाब 14-18 आयतें मुबारक। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया मलाउन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। फिर खुदा ने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द ही के साथ औलाद जनेगी, तू अपने शोहर के इख्तियार में रहेगी, तुझ पर वो हुकूमत करेगा। और आदमी से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मेहनत के साथ तू अपनी जिंदगी के तमाम अयाम उससे खाएगा, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और खेत की नबातात तेरी खुराक होंगी, तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा। पागलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। जो सूरज को ओढ़े हुए और जिसके पांव के नीचे चांद और सितारे 12 सितारों का ताज था। कलामे मुकद्दस में से हम सबों के लिए आज की दूसरी तलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका 12वां बाब 1-6 तक। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था।
वो हामला थी और तक निगल जाए और उसकी हाँ नरीने प्रसन्न हुआ, जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा और उसका फर्जन खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके फरिश्ते अज़दहा के साथ लड़ते और अज़दहा और उसके फरिश्ते लड़े लेकिन गालिब ना आए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की खास बरकत हो। उसकी पहली आयत से सुनेंगे और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उसे कहा, ऐ खातून मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनुस नहीं आया। उसकी माँ ने खातून से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों के रस्म में तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2 या 3-3 वक्त समाते थे। यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो, सो उन्होंने उनको लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि आप निकालो और मेरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे ज़ियाफ़त ने दूल्हे को बुलाया और उसने कहा कि हर शख्स पहले अच्छी में खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब फूक पी चुके, मगर तूने अच्छी में अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काने जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ की जाए। डाउनलोड करो कभी कभी पढ़िया करो, ये बड़ी सोहनी गल है। तुम और कुछ बहुत पढ़ते हो लेकिन यह भी गल कहते पढ़िया करो, यह बड़ी सोहनी गल है, यदि जरूरत है इस मॉडर्न जमाने। अच्छा जी, ये भी हो गई गलबात इस गल की। हम ये असी जिस समय क्या कि ईमान की वजह है कि तुम नौजवान तबका देखो कि यह नौजवान कलीसिया है। तुम जिन्हें भी गिण लवो ज्यादा जरा नौजवान कलीसिया है सारी पाकिस्तान में, जिस गिरजे भी चले जाओ, कोट लखपत चले जाओ, सिंह मेरी गुरबत चले जाओ, सियालकोट चले जाओ, मरियम पर जिते भी तुम जाओगे नौजवान कलीसिया बहुत ज्यादा जज्बा है। और एक बदौलत है साढ़े अबाव जदार की बदौलत, साढ़े माँ बाप की, जो साढ़े माँ बाप की मेहनत, साढ़े माँ बाप का ईमानी जज्बा, साढ़े इमाम बाप की ईमानी सरगर्मी ना होगी तो तुम तो मैं जो नौजवान भी ने वो कभी भी इतने ना आते, इतने ना बहते, इन्नी मेहनत जी ये ना करते, इन्ने फल जो नौजवान जो ये ना बनते पाकिस्तान। सो ये साढ़े अबाउट जदार की मेहनत, उन्हों का ईमानी जज्बा, उन्हों की ईमानी सरगर्मी, उन्हों का जी जो कुछ भी है सी वो खुदा की मर्जी में पूरा करने सन। और एक ही बदौलत सी ईमान की बदौलत। सो मैं बार बार लफ्ज़ बोलना वा ईमान का, और ईमान जरा
because the yes was spoken from. मरियम के सर पर पहनाया जाएगा जोर का ताली बजाते हैं रक्षा मरियम सवाल पेशा जो और रक्षा मरियम के साथ अमर दूता को मोहब्बत का इजहार उनके फजल करम से ताजपोशी हो गई है। हम लोग घर आ चुके हैं, अभी अभी आए हैं। जल्दी से जाएं, वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के वसीला से बहुत सारी बरकत भी आप पाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और बहुत सारी बरकत पानी है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। कोशिश करूँगी कि हर रोज़ जो ना आपका छोटा सा छोटा ब्लॉग जो है ना शेयर किया जाए। चलो जी, बाय बाय कर दो।